हाईवे के निर्माधीन फ्लाईओवर दूसरी तरफ दो सीमाओं को जोड़ने वाले रेलवे क्रॉसिंग में लोगों और वाहन चालकों का गुजार ना कर दिया हराम, लेकिन जाम के झाम से बचने के लिए अपर गृह सचिव के काफिले ने ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने का दे दिया पैगाम। खबर जिला बरेली के तहसील फरीदपुर से 15 किलोमीटर दूर थाना फतेहगंज पूर्वी की है, जहां दो जिलों की सीमाओं को जोड़ने वाला वह गुल नदी के पुल से जिला शाहजहांपुर के कटरा थाना को जोड़ने वाली रेलवे क्रॉसिंग संख्या 343 के अलावा निर्माधीन फ्लाईओवर वाहन चालक और लोगों के साथ अपर गृह सचिव काफिले को बन गया नासूर। तैनात पुलिस कर्मियों ने काफिलों को रॉन्ग साइड से निकाल कर ट्रैफिक नियम का कर दिया चकनाचूर। बता दें, फतेहगंज पूर्वी और कटरा के मध्य राजमार्ग पर जाम लगने का सिलसिला कई वर्षों से चल रहा है, फिर भी NHAI और रेलवे प्रशासन को भयंकर जाम का झाम नहीं दिख रहा है। प्रतिदिन हजारों वाहनों की लग जाती है लंबी कतारें, वाहन चालकों राहगीरों को घंटों भूखे प्यासे रहकर जाम से जूझते हैं बेचारे। रेलवे क्रॉसिंग के निकट का निर्माधीन फ्लाईओवर क्षतिग्रस्त व गुल नदी के पुल के साथ गड्ढा युक्त हाईवे जाम के तीन मुख्य कारण, लेकिन शासन तीनों समस्याओं पर क्यों नहीं करता रगड़। राजमार्ग से शासन के अधिकारियों का निकलता है काफिला, लेकिन वाहन चालकों व राहगीरों का नहीं कर पाता भला। विगत दिवस प्रदेश अपर गृह सचिव अवनीश अवस्थी के काफिले की पुलिस प्रशासन को भनक लग गई, दो जिलों की सीमाएं छावनी में बदल गई। अपर गृह सचिव का काफिला बरेली से फतेहगंज पूर्वी पहुंचा, तब तक रेलवे क्रॉसिंग पर भयंकर जाम का मिल गया लोचा। घंटों पहले तैनात SDM CO तिलहर SHO कटरा के साथ SHO फतेहगंज पूर्वी विजय कुमार की टीम ने कमान संभाली। फोर्स ने बड़ी मशक्कत के साथ विपरीत दिशा से जाम में फंसे काफिले को रैली लखनऊ निकाली। इससे पूर्व विपरीत दिशा से आने वाले वाहनों को पुलिस ने जाम कर दिया। अवनीश अवस्थी के काफिले को विपरीत दिशा से निकालने का इंतजाम कर दिया। रेलवे क्रॉसिंग संख्या 343 बन चुकी है नासूर। भयंकर जाम लगने से प्रतिदिन हादसे होते हैं जरूर।